नमस्कार, क्विक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि फ्लिपकार्ट का पुराना अकाउंट कैसे डिलीट करते हैं, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्लिपकार्ट का पुराना अकाउंट डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में फ्लिपकार्ट को ओपन करना है। तो चलिए फ्लिपकार्ट को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद अब आपको क्या करना है कि आपको अकाउंट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आपके फ्लिपकार्ट पे अकाउंट लॉगिन होगा तो यहाँ पे दिख जाएगा। अब आपको यहाँ से यह चेक कर लेना है कि यह आपका फ्लिपकार्ट का पुराना अकाउंट है कि नहीं। अगर आपका फ्लिपकार्ट का पुराना अकाउंट है तो डिलीट करने के लिए आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको नीचे में एक एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है और नीचे में आपको एक डिलीट अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है और फिर से ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। यहाँ पर जो भी टर्म एंड कंडीशन है उसको आपको क्या करना है कि आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद अब आपको नीचे में एक डिलीट अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वेरिफिकेशन कोड आएगा। अगर वह फ़ोन नंबर इस फ़ोन में लगा होगा तो यहाँ से OTP ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। अगर ऑटोमेटिक वेरीफाई नहीं होता है तो आपको क्या करना है कि OTP को यहाँ से देख लेना है और यहाँ पर आपको OTP डाल लेना है। तो चलिए यहाँ पर हम अपना OTP डाल लेते हैं। डालने के बाद अब आपको क्या करना है कि आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा जो अकाउंट है वह डिलीट होने के लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट चला गया है और यहाँ पर जो भी मेरा रिक्वेस्ट नंबर है वह दिखाया जा रहा है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके 30 दिनों के भीतर जो भी आपका रजिस्टर फ़ोन नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट किया जाएगा फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर से, उसके बाद जो आपका अकाउंट है वह डिलीट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आप फ्लिपकार्ट का पुराना अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। धन्यवाद।